नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपरफास्ट फ्यूचर्स और आज एक्शन होगा मार्केट पे। ये आपको बताएंगे किस तरीके से और कौन से स्टॉक फ्यूचर्स पे निफ्टी पे आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। आपको बैक टू बैक ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताएंगे क्योंकि अब कहीं ना कहीं एग्जिट पोल नजदीक आ गए हैं। बाजार पे एक बड़े स्विंग की उम्मीद है। आज भी अगर आप विक्स देखेंगे तो 3.5% से ज्यादा का उछाल देखने को मिलेगा। 8900 के लेवल पे है निफ्टी। लेकिन मैं फिर बता दूं, जो आज शाम एग्जिट पोल आएगा उसके बाद एक बड़े स्विंग की तैयारी कर लेगा मार्केट। डिसाइडिंग फैक्टर होगा कि मार्केट्स की अब अगली चाल क्या रहेगी। पिछले कुछ दिनों से एक रेंज में फंसे हुए हैं लेकिन अब इस रेंज के ब्रेकआउट के चांसेस बनते हुए नजर आएंगे। वोलेटिलिटी पिछले कुछ दिनों में जरूर बढ़ी है, पिछले सीरीज के मुकाबले बढ़ी है, लेकिन अभी उतने बड़े स्विंग वोलेटिलिटी पे नहीं मिले हैं जितने मिल सकते हैं। आज भी अगर आप देखें तो निफ्टी फ्यूचर्स में मात्र 2% के आसपास की बढ़त दिखाई देगी। मुद्दा यह है कि 9000 के लेवल को कभी भी हम रिकॉन्कर नहीं कर पाए हैं इस पर्टिकुलर सीरीज में। आज भी 9.5 लाख शेयर 9000 की कॉल पे आज जुड़े और वहीं पर ही 8900 कॉल में लगभग 3.4 लाख शेयर्स का फ्रेश एडिशन है। यानी कि ऊपरी स्तरों पर ट्रेडर्स आज भी बिकवाली कर रहे हैं कॉल्स में। ये बिकवाली अब थमेगी कि नहीं, इस पर बात करेंगे एसएमसी ग्लोबल के नितिन मुरारका साहब मेरे साथ मौजूद है। नितिन जी नमस्कार, स्वागत है आपका। निफ्टी पर रणनीति बताएं सर। सबसे पहले आपकी जो कॉल में जानना चाहूंगा, आज के सत्र में अगर किसी को प्रिपेयर करना हो एग्जिट पोल्स के लिए, तो अगर ऑप्शन के जरिए मैं निफ्टी पर प्ले करना चाहूं तो सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए सर? देखिए रजत, एग्जिट पोल के बाद और जो इलेक्शंस के रिजल्ट्स आएंगे उसके बाद भी अभी मार्केट में करीब 15 ट्रेडिंग सेशन है, यानी कि मार्केट में एक अच्छा खासा टाइम बचा हुआ है टू एक्सपायरी। तो मुझे लगता है कि अगर आपको वॉलेटिलिटी में प्ले करना है तो कॉल एंड पुट दोनों इस बार ली जा सकती है, और उसमें हम लोग 9100 की कॉल ऑप्शन और 8800 की पुट ऑप्शन दोनों को खरीदेंगे। दोनों को खरीदने में कुल प्रीमियम आपका 130 रुपये का लगता है, और मुझे लगता है कि एक्सपायरी लंबी होने के कारण बहुत तेजी से दोनों का वैल्यू नहीं टूटेगी और एक मूवमेंट वन साइड आपको आइदर साइड में मिल सकती है। इस स्ट्रेटजी में कम से कम आपको सेफ्टी भी मिलती है क्योंकि आप दोनों साइड खरीद रहे हैं और आपके पास सफिशियंट टाइम है। मैं टारगेट इसका 180 रुपए का लेके चल रहा हूं और स्टॉप लॉस करीब 110 रुपए का रखना चाहिए। लेकिन सर अब ये बात अगर हम वोलेटिलिटी समझें, आप बोल रहे हैं कि 9100 की कॉल खरीद ली जाए, 1800 की पुट खरीद ली जाए, 130 रुपए में मिल रही है, प्रीमियम बढ़कर 170 180 हो जाएगा, 110 का स्टॉप लॉस रखें, पर क्या बहुत बड़े स्विंग की एक्सपेक्टेशन है क्या? और अपर साइड पे ब्रेकआउट के चांसेस कितने स्ट्रांग है मार्केट पे, ये बताएं आप। देखिए, जो करंट डेटा देख के मेरा जो मानना है वो बुलिश साइड में ज्यादा है, यानी तेजी की तरफ मेरा व्यू है। उसके पीछे रीजन है कि जैसे जो इस बार रोलओवर हम लोग होकर के आए थे उसमें करीब अभी 2,28,00,000 शेयर का रोलओवर अभी ओपन इंटरेस्ट है निफ्टी में, और एफआईएस की तरफ से आप डेटा देखेंगे तो लॉन्ग रोलओवर से, यानी स्ट्रॉन्गर हैंड्स का लॉन्ग रोलओवर है। लास्ट 4-5 दिनों का आप डेटा देखेंगे तो इंडेक्स में बहुत ज्यादा उनकी तरफ से कोई सेलिंग नहीं हुई है और पुरानी पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं, लिक्विडेशन नहीं है। मार्केट रेंज में जरूर ट्रेड कर रहा है बट ओवरऑल डेटा पॉजिटिव है। इसको देख के मैं समझ रहा हूं कि ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होना चाहिए। टेक्निकल ट्रेंड्स भी पॉजिटिव है, वर्ल्ड मार्केट का ट्रेंड भी देखेंगे तो पॉजिटिव है। तो ओवरऑल जो डेटा इंडिकेट कर रहा है कि वो पोजिशन बिल्टअप है, वो पॉजिटिव साइड है, तो उसको देख के मैं समझ रहा हूँ कि अगर आपको स्ट्रैंगल नहीं लेना है, कोई अगर सिंपल स्ट्रैटजी भी बनानी है, तो मैं समझता हूँ यहाँ पे आप 9100 की कॉल ऑप्शन जो करीब 55-56 रुपए की है वो भी एक सिंगल साइड लेकर के चल सकते हैं। अच्छा, पर नितिन जी तो बढ़िया बात ये हो जाएगी स्ट्रैटजी में, अगर बाजार गिर भी गया, अगर कुछ फेवरेबल रिजल्ट ना भी आया एग्जिट पोल में, तब गिरावट में भी पैसा बनेगा। ब्रेक इवन बता दीजिए, और इनफैक्ट ब्रेक इवन का क्या कुछ इंतजार भी होगा या फिर एकदम से प्रीमियम शॉप अप स्पाइक अप होते हुए नजर आएंगे अगर बाजार गिरा भी तो इस रणनीति में? देखिए, अगर मार्केट गिरता है और आप स्ट्रैंगल खरीद रहे हैं तो उस केस में वोलेटिलिटी बढ़ेगी, उसके कारण पुट्स में बहुत तेजी से प्रीमियम्स बढ़ेंगे। तो मुझे लगता है कि अगर मार्केट गिरती है तो वॉलिटिटी बढ़ेगी जिसके कारण आपको पुट्स में फायदा मिलेगा, और ऊपर जाती है तो जो ब्रेक इवन आ रहा है वो तो करीब करीब 90-30 के आसपास ब्रेक इवन आएगा क्योंकि हम लोग 91 की कॉल ऑप्शन ले रहे हैं। बट यहाँ पे इस स्ट्रेटजी अभी लेने में ये फायदा है कि हमें टाइम टू एक्सपायरी काफ़ी है, 15 ट्रेडिंग सेशन बचे हुए हैं, इसलिए क्या है कि टाइम वैल्यू बहुत तेजी से नहीं डिके होगी। और जहाँ तक वॉलिटिलिटी वीक्स का सवाल है वो ऑलरेडी 14-14.5 के आसपास है। नॉर्मली अगर वीक्स टूटेगी भी तो वो टूट के 12-12.5 से नीचे नहीं जानी चाहिए, तो उससे उसके कारण आपको टाइम वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं टूटेगी। चलिए ठीक है, आपके पास मैं वापस लौटूंगा और कुछ ऑप्शंस फिर से आपसे मैं जानने की कोशिश करूंगा जहां पर स्टॉक ऑप्शन में काफी स्ट्रॉन्ग कमाई हो सकती है एग्जिट पोल से पहले रणनीति बनाएंगे। मेरे साथ किरण जादव जी जुड़े हैं, लोकेश उपल जी, सिमी भौमिक जी, फटाफट से इन सबसे राय ले लेते हैं निफ्टी पे और एक एक स्टॉक पे। किरण जी नमस्कार, स्वागत है आपका। निफ्टी पे रणनीति बताएं सर और एक स्टॉक जो फोकस में आपके।
नमस्ते, मुझे लगता है निफ्टी अभी भी इम्पोर्टेंट सपोर्ट से ऊपर ही ट्रेड कर रहा है तो, और सपोर्ट के बहुत नजदीक है। इम्पोर्टेंट सपोर्ट 8880 है और मुझे लगता है कि बाय करने की ही सलाह होगी क्योंकि सपोर्ट के ऊपर है, तो 8870 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट के लिए 8970 के लेवल्स आप कल तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। राइट सर, अगर तेजी बनाए तो कौन सा स्टॉक को चुनना चाहिए? एशियन पेंट्स में अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है मुझे तो, और ओपन इंटरेस्ट एडिशन भी अच्छे खासे दिख रहे हैं और उसके साथ ही ऑप्शन चेन डेटा भी बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, तो एशियन पेंट्स एक अच्छा कैंडिडेट रहेगा। स्टॉप लॉस रहेगा 1017 का और टारगेट्स 1076 के एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया सर, बहुत स्ट्रांग बिल्डअप है इस पर्टिकुलर सीरीज में, एक्सपेक्टेशन बहुत स्ट्रांग है एशियन पेंट से, 1076 के टारगेट के लिए से खरीदें, स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करें 1017 का। लोकेश उपल साहब मौजूद है माय स्टॉक रिसर्च से। लोकेश जी नमस्कार, निफ्टी रणनीति बताएं सर, एक स्टॉक जिस पे आप बेट लगा रहे हैं पॉजिटिव साइड पे। वेरी गुड आफ्टरनून जी, जैसे हम देख रहे हैं कि निफ्टी में एक साइडवाइज कंसोलिडेशन हो रहा है, वेयर द अपर रेंज इज कैप क्लोज टू लेवल्स ऑफ 8970 एंड द बॉटम इज इंटैक्ट क्लोज टू लेवल्स ऑफ 8860। यहाँ पे बाय ऑन डिप्स की रणनीति को अपनाएंगे बिकॉज निफ्टी इज ट्रेडिंग अबव द सपोर्ट जोन्स, सो वी विल कीप अ स्टॉप लॉस क्लोज टू लेवल्स ऑफ 8880 एंड वी विल बाय निफ्टी फॉर इमीडिएट टारगेट क्लोज टू लेवल्स ऑफ 8970। ये इसको सपोर्ट करने के लिए आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी में कोई नए फ्रेश शॉर्ट पोजिशन क्रिएट नहीं हुए, इनफैक्ट बैंक निफ्टी दिखा रही है कि हो सकता है सेकंड हाफ ऑफ बाय टुमारो 20800 के को टच कर सकते हैं जो निफ्टी को सपोर्ट करते हुए 8970 की तरफ ले जाएगी। राइट, किस स्टॉक पे बैट लगानी चाहिए सर? रजत जी, यहाँ पे हमारी जो पिक है वो है मदरसन सुमी में। मदरसन सुमी की अगर हम डेली चार्ट स्टडी करते हैं वो अपनी राउंडिंग बॉटम स्टार्ट हुआ है क्लोज टू लेवल 350 एंड 352, तो हमारी रिकमेंडेशन रहेगी बाय मदरसन सुमी फॉर अ टारगेट ऑफ 368 एंड वी विल कीप अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस क्लोज टू लेवल ऑफ सपोर्ट जोन दैट इज 354। बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। 368 का टारगेट मदरसन सुमी पे, स्टॉप लॉस 354। सिमी भौमिक जी मेरे साथ जुड़े। सिमी जी, निफ्टी पे कॉल और एक स्टॉक फ्यूचर जो प्लस करना चाहिए, खरीदना चाहिए? देखिए, पहले तो मैं निफ्टी के लिए ये बताऊंगी कि निफ्टी अभी एकदम क्रिटिकल सपोर्ट एरिया के आसपास है, 8900 से 8890 इस रेंज में निफ्टी कल भी सपोर्ट लिया था, अभी इसी रेंज के आसपास वापस आ चुका है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये रेंज होल्ड करेगा आज भी, अगर ऐसा करता है तो बाय करेंगे, 8880 के नीचे स्टॉप लगाएंगे, 8930 और 8945 ये दो है मेरा इंट्राडे का टारगेट। मेरा एक स्टॉप कल मैंने चूज किया है यूपीएल का, लास्ट दो ट्रेडिंग सेशन से अच्छा बाइंग देखा है, परसों ये 700 के ऊपर क्लोज किया था, कल भी मेंटेन किया था मोमेंटम, आज भी ये मेंटेन कर रहा है, 709 से नीचे स्टॉप लॉस लगा के मैं लॉन्ग जाने का सलाह दे रही हूँ, 721 एंड 726 मेरा दो टारगेट है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो जब देखिए डाउनवर्ड जो साइड है, ज्यादातर जानकार अब 8880 8870 इससे नीचे नहीं जाता देखते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग था इस पूरी चर्चा में। अपर साइड पे अभी भी मार्केट हो सकती है तेज, क्योंकि अगर आउटकम बाजार के फेवर में आ गया तो वो बहुत स्ट्रांगली बढ़त बनवा देगा निफ्टी पे। बाजार 8900 को बार बार होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए जो स्टॉप लॉस दिया जा रहा है 8880 और 8870 का दिया जा रहा है ज्यादातर रणनीति में, और टारगेट्स ऊपर के हैं मार्केट पे। प्ले अगर आपको सेव करना है, वोलेटिलिटी प्ले करनी है मार्केट पे, वोलेटिलिटी बढ़ेगी तो बेहतर है कि एसएमसी ग्लोबल की जो स्ट्रैटेजी में 9100 की कॉल और 8800 की पुट है उसको खरीदा जाए, प्रीमियम जहां से बढ़े तो इस रणनीति में फायदा होता हुआ नजर आएगा। लेकिन कुछ स्टॉक्स अगर ऑप्शन के जरिए ट्रेड करना हो तो पहला एक्सिस बैंक आपने चुना है नितिन जी, एक्सिस बैंक में क्या रणनीति रखनी चाहिए, ऑप्शन स्पेसिफिक कम लागत में बेहतर रिवॉर्ड मिले? देखिए रजत, यहां पे मैंने 3 स्टॉक टोटल में निकाले हैं जो हम लोग इवेंट्स के कारण ऑप्शंस के थ्रू प्रॉफिट बना सकते हैं, और इसके पीछे जो भी डेटा है, जो ओपन इंटरेस्ट है, जो डिलीवरी वॉल्यूम्स है, वो डेटा देख के निकाला है। उसमें एक एक्सिस बैंक है जिसमें हम लोग 520 की कॉल ऑप्शन लेंगे। इसके पीछे लॉजिक यह है कि इसमें करीब करीब 2,60,00,000 शेयर का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है और ये रोलओवर्स के बाद इसमें काफी अच्छी बाइंग हम लोग देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एक्सिस बैंक में 520 की कॉल जो करीब 14 रुपए की है, इसमें टारगेट करीब 550 रुपए का मिल सकता है, यानी कि कॉल आपकी 30 रुपए तक जा सकती है और स्टॉप लॉस करीब 8 रुपए का रखेंगे। चलिए, और इनफैक्ट निफ्टी बैंक पे आज एक्सपायरी भी है, वीकली एक्सपायरी, तो क्या लगता है क्या सेटअप है और क्या तेज होगी कल के सत्र में या फिर आज के सत्र में? देखिए, आज का जो डेटा है उसमें सुबह सुबह खुलते ही 20,900 की कॉल और 20,500 की पुट, इन दोनों में काफी बड़े बड़े ऑर्डर आए हैं, सेल ऑर्डर। इनफैक्ट एज अ स्ट्रेटजी एसएमसी की तरफ से हम लोगों ने 20,900 की कॉल और 20,500 की पुट सेल रिकमेंड की है, दोनों के कंबाइंड प्रीमियम करीब 15 रुपए हमें मिले हैं। हमें लग रहा है कि एक्सपायरी 20,900 से और 20,500 के ऊपर होनी चाहिए। आज लग रहा है कि थोड़ा रेंज बाउंड रहेगी, बट गोइंग फॉरवर्ड अभी भी डेटा पॉजिटिव है, आपको 21,000 21,200 की तरफ बैंक निफ्टी मूव कर सकते हैं।